हेलो फ्रेंड्स, राम राम सीताराम, गुड मॉर्निंग सबको। तो फाइनली आज से हमारी जो डांगर है, धान है, उसको काटना हम लोगों ने आज से शुरू किया है। तो रेखा मजदूरों के साथ खेत में है, मैं और जयमीन घर पे है। तो अभी तकरीबन बज चुका है 10, 10:30 बज चुका है। तो उनके लिए मैं चाय बना रहा हूँ, ये देखो। तो उनको सुबह से आते हैं, दोपहर तक रहते हैं, तो बीच में एक बार चाय पिलाते हैं, और शाम को आते हैं तो शाम को भी एक बार चाय पिलाते हैं। तो रेखा बोली कि मैं उनके साथ जा रही हूँ, आप चाय लेके आना बाद में। तो अभी फ़िलहाल मैं उनके लिए चाय बना रहा हूँ, चाय बन जाएगी उसके बाद लेके चलता हूँ खेत में। और जो हमारा कटिंग हो रहा है उसको कोशिश करता हूँ आज की ड्रोन से मैं आपको शूट करके दिखाऊँगा कि कहाँ पर कटिंग कर रहे हैं वो लोग, जो धान वगैरह काट रहे हैं वो कहाँ पर काट रहे हैं, वो देखता हूँ शायद ड्रोन से शूट करके आपको दिखाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही दिखा देंगे कि कहाँ पर वो अभी कटिंग वगैरह चल रहा है करके। तो अभी फ़िलहाल चाय बना के लेके चलता हूँ, पानी लेके जाना पड़ेगा उनके लिए, और ये सारा चीज़ रेडी करके अभी मैं जा रहा हूँ खेत में। तो बने रहिए वीडियो में आगे। तो आज मेरे ख्याल से उतना काटने के बाद ट्रैक्टर से उसको वो भी करना है, तो आज धान वो पूरा साफ सफाई भी उधर ही करना है, फैन उधर ही ले चलेंगे, सब कुछ चीज़ करना है। तो आगे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ कि हम लोग धान काटने के बाद कैसे कैसे क्या क्या करते हैं वो सब। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी ये देखो हम लोग ड्रोन से शूट कर रहे हैं। तो एक ऊपर वाला खेत था, उस दिन वो काट रहे थे, उस दिन तो ड्रोन उड़ा नहीं, उसमें पता नहीं कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई थी तो वो तो उड़ा नहीं। तो दूसरे दिन दोबारा शुरू किया तो सब सही था। तो ये देखो अभी दूसरे दिन की दूसरा जो खेत है उसकी कटाई चल रही है, और टोटल 4 लोग काट रहे हैं। एक रेखा काट रही है, चाची है, उनकी लड़की है, उनकी बहू है, ऐसे करके टोटल 4 लोग आज धान की कटाई कर रहे हैं। तो एक खेत ऊपर वाला है वो तो ख़त्म हो गया, वो छोटा सा खेत था, ये तो बहुत बड़ा खेत है। और एक और खेत है जो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो धान काफ़ी अच्छा हुआ है। तो देखो हमारे चाची जी ने कभी ऐसे ड्रोन देखा नहीं है, तो वो ड्रोन देख के बहुत खुश हो रहे थे। एक दिन तो उनको पता भी नहीं चला कि ये क्या है, बोला हेलीकॉप्टर आया है करके बता रहे थे वो लोग। तो ये ड्रोन को बार बार देखते हैं ऐसे कि बोला ये कहाँ से आया करके। तो हमारे घर से ये खेत काफ़ी दूर था, तो मैं घर से ड्रोन को ऑपरेट कर रहा था। तो ये वाला खेत अभी शुरू किया है काटना, ऐसे काट काट के रखना पड़ेगा, उसके बाद इसको सारा कुछ इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर घुमाएंगे। तो वो भी आगे मैंने शूट किया हुआ है कि कैसे हमने उसके ऊपर ट्रैक्टर वगैरह घुमाया है, ये सारा चीज़ मैंने शूट कर रखा है। तो ये देखो चाची जी हाई कर रही है अभी उन्होंने कभी ऐसे ड्रोन देखा नहीं है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाते हैं ऐसे ड्रोन देखे। ये देखो हाई हाई करते कर रहे हैं अभी। तो ये एक और नीचे खेत है, वो इससे भी बहुत बड़ा खेत है, तो इसको भी हम काटेंगे। लेकिन एक एक खेत हम काट रहे हैं, पहले ऊपर वाला हमने कंप्लीट किया, अभी ये दूसरा खेत, और ये थोड़ा सा एक हिस्सा दिख रहा है ये तीसरा खेत है। तो आगे ड्रोन से हमने शूट किया है उसमें उस खेत का भी है। ये है हमारा तीसरा खेत जो सबसे बड़ा खेत है, इसको भी हमने काटना है। तो ये पूरा का पूरा हमारा खेत है जो आज धान कट रहा है, काफ़ी बड़ा खेत है। उसके नीचे वाला भी खेत है वो इससे भी बड़ा है, उसको हम बाद में काटेंगे अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जितना भी धान था एक खेत का हम लोगों ने उसको काट दिया है। काटने के बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर घुमाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने नीचे तिरपाल वगैरह बिछा के जितना भी काटा हुआ था वो तिरपाल के ऊपर हमने एक लेयर टाइप में बिछा के रखा है उसको। तो ट्रैक्टर वाले को बुलाया है, पता नहीं कब तक आएगा वो भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैंने हम लोगों ने वो कैसे बिछाया हुआ है। तो ये देखो ये हमने नीचे तिरपाल बिछाई है, और तिरपाल के ऊपर हमने ये धान बिछा दिया है। अभी इसके ऊपर हम लोग ट्रैक्टर घुमाएंगे। तो ट्रैक्टर वाले को भी मैंने बोला है कि आ जाना टाइम से करके, तो अगर टाइम से आ जाता है तो मज़दूर आने से पहले वो एक बार घुमा देगा, और उसके बाद दोबारा से उसको एक बार से पलटी मारना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये रेडी करके रखा है कि ट्रैक्टर वाला आएगा तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा करके। ये देखो पूरा का पूरा एकदम तैयार करके रखा है। तो अभी 2 बजे का बोला था मैंने ट्रैक्टर के लिए, कि बोला 2 बजे के आसपास आना, तो 1 घंटा इसको घुमाने में लगेगा, तब तक 3 बजे तक शाम को
दोबारा से आ जाएंगे मजदूर, तो इसको एक बार पलटी मारना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा और कुछ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर सारा कुछ रेडी कर रखा है। अभी देखते हैं ट्रैक्टर आता है तो। दोबारा से सोच रहा हूँ कि ड्रोन से शूट करूँगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्लिप थी, वैसे ही एक और क्लिप बनाऊँगा जब ट्रैक्टर आएगा तो उसके बाद उसको निकालना भी पड़ेगा, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग ट्रैक्टर आने का। ये देखो अभी ट्रैक्टर आ चुका है और अपना काम कर रहा है ये भी, तो ऐसे करके ट्रैक्टर घुमाते हैं हम लोग। तो ये जितने भी धान के दाने हैं वो सारे के सारे अलग हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से थोड़ा साफ सफाई करके घर ले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखो अभी ट्रैक्टर आ चुका है और ट्रैक्टर घूम भी रहा है, तो अभी इससे पहले जो क्लिप थी वो मैंने ऐसे ही बनाई थी, और ये अभी वाली जो क्लिप है इसको मैंने ड्रोन से शूट किया हुआ है। तो देखो ऐसे नीचे तिरपाल बिछा के ऊपर धान डाल के ऐसे ट्रैक्टर को आगे पीछे घुमाते रहते हैं, ताकि जितने भी दाने हैं वो अलग हो जाते हैं और वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। तो देखो जयमीन भी आ रहा है अभी छोटू के साथ, तो ये भी घूमते रहता है खेत में, सबको पानी देना, चाय देना, ये सारा चीज़ ये हेल्प करते रहता है बीच बीच में। तो अभी ये ऐसे करके पूरा ट्रैक्टर घूमता रहेगा, उसके बाद एक बार इसको पकड़ पकड़ के एक बार उथल पुथल करनी पड़ेगी, इसकी जितने भी धान हैं उसको उठा उठा के पलटना भी पड़ेगा एक बार। तो मैं भी साइड में खड़ा हूँ, ड्रोन लेके शूट कर रहा हूँ साइड में, और ये देखो जयमीन भी इधर से उधर चक्कर काटते रहता है, बार बार घर जाता है, वापिस आता है, फिर कुछ काम है तो फिर वापिस आ जाता है, ऐसे करके आते जाते रहता है ये भी। तो अभी देखते हैं ये कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से आधा घंटे के ऊपर घुमाना पड़ेगा, तब जाके सही सही ये होगा, क्योंकि जितनी देर घुमाते रहते हैं तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करवाता है, एक बार और उल्टा पलटी करेंगे तो सही हो जाएगा ये। तो अभी ट्रैक्टर वाला भी टाइम से आ चुका है, तो शाम तक हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अभी ये वाला खेत कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद एक और खेत है, और ये जो सामने दिख रहा है वो खेत हमने काट के कंप्लीट कर दिया है, उसका भी धान हम लोग घर भी ले जा चुके हैं, लेकिन उसकी क्लिप हम बना नहीं पाए थे क्योंकि उस दिन तो ड्रोन उड़ा नहीं था, इसलिए बाकी रह गया था। तो अभी ये देखते हैं कि ये ख़त्म होने के बाद एक और नीचे इससे भी बहुत बड़ा खेत है, उसका भी हमने धान वगैरह काटना वो चल रहा है, वहाँ पर काटना चल रहा है और यहाँ ट्रैक्टर भी घूम रहा है। तो अभी थोड़ी देर में आपको आगे वो भी दिखाएंगे कि वो भी कितना बड़ा सा खेत है। तो अभी ये ट्रैक्टर घूमे जा रहा है, तो ये है हमारा पूरा धान ऐसे बिछा के रखा है, तीन चार तिरपाल बड़ी बड़ी बिछाई है, तब जाके उसमें पूरा का पूरा कवर हो पाया है, और अभी काफ़ी टाइम लग रहा है। ये देखो ऊपर वाला खेत हमारा जो कि कंप्लीट हो चुका है, और अभी ये है हमारा नीचे वाला खेत जिसमें सुबह से मजदूर लगे हुए हैं पूरे के पूरे, और ये देखो ऐसे काट काट के पहले ऐसे रखना पड़ता है, उसके बाद ही इसको इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये देखो अभी इनका पानी वगैरह और चाय पीने का टाइम हो गया है, तो अभी ब्रेक है, तो मेरे ख्याल से ये चाय पानी वगैरह पी रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में इनको भी थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है, नहीं तो थक जाते हैं। तो आधा घंटा काम करो, 5-10 मिनट बैठो, ऐसे आराम आराम से सभी काम करते हैं, थोड़ी देर बातें भी करो, तो ऐसे कर कर के सभी तसल्ली से काम कर रहे हैं। तो अभी ट्रैक्टर वगैरह जैसे घूम जाता है, उसके बाद ऐसे देखो ये ऐसे पकड़ पकड़ के थोड़ा सा झाड़ के इसको दोबारा से पलटी मार के रखना पड़ता है, ताकि जो हिस्सा बच जाता है वो भी उसके ऊपर भी ट्रैक्टर घूम जाए। तो अभी ये पूरा हमने पलटी मार दिया था, अभी दोबारा से हम लोग ट्रैक्टर घुमा रहे हैं, अभी एक बार ट्रैक्टर घूमेगा तो ये फाइनल ही हो जाएगा, उसके बाद ट्रैक्टर चला जाएगा, और ये सारा कुछ हम लोग जितना भी घास है उसको झाड़ झाड़ के घास साइड में कर देंगे, और लास्ट में धान बचेगा उसको घर ले जाएंगे। तो देखो जितनी देर ट्रैक्टर घूमता है तब तक इनको आराम करने को भी मिलता है, और अभी देखते हैं कितनी देर ये घुमाते हैं, तो अच्छे से घूम जाएगा।
इसके बाद उसको बोरी में भर के घर ले जाना पड़ेगा। अभी तो वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि फिर तो अभी बोरी भर के पूरा घर ही ले जाना पड़ेगा, तो वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं। अभी मैं फ्री था तो मैं सोचा बना लेता हूँ, तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक ये ट्रैक्टर घूमते रहता है, जब तक तब तक ये जितने भी आए हुए थे वो भी अपना बैठ के रेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। बोरी वगैरह भरना ये वो सारा कुछ काम शुरू हो जाएगा तुरंत ही। चलो फ्रेंड्स, तो अभी ट्रैक्टर ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, इनका भी हिसाब किताब कर दिया और ये देखो वापस चल दिए हैं। और यहाँ पर अभी ये घास वगैरह साइड से साइड में निकालने का काम शुरू हो चुका है और साथ साथ में पुड़े भी बांधे जा रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग धान को काटने के बाद अभी ले चलेंगे इनको घर।